जय हिंद स्वागत है आप सभी का Testbook.com के ऑफिशियल चैनल पर सुबह को कि uh, के डिफेंस चैनल में सुबह को 6 बजे होता है हमारा करेंट अफेयर सो ग्रीटिंग का इस पर्टिकुलर uh, क्लास में जो है कि लास्ट ट्वेल्व मंथ करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर नाइन राइट लास्ट ट्वेल्व मंथ करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर नाइन इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट उसमें से लास्ट ईयर से बिलोंग करते हैं और गाइज लास्ट ईयर से बिलोंग करते हुए ये वो सारे क्वेश्चन हैं राइट right? जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो हमारा एनडीए हो सी डी एस हो एफकेट हो कोई भी एग्जाम हो राइट उससे रिलेटेड जो है ना यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है ठीक है, होप कि आप सब लोग यहां पर जो है ना आ, सुन पा रहे होंगे मुझे देख पा रहे होंगे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस और जो है ना तो जल्दी से सॉरी अटेंडेंस मार्क करके सेशन को शेयर कर दीजिए ठीक है तो ओके तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पर्टिकुलर सेशन को राइट हमारे आज के किस पर्टिकुलर को शुरू करते हैं हम अभी और देखते हैं क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी सबसे पहले गाइज यहां पर देखें कि अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे जितने भी सेशन होते हैं उनका लिंक आपको यहीं पर मिलेगा ठीक है उनका लिंक आपको यहीं पर मिलेगा और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो यू कैन इंटरेक्ट विथ मी ऑल्सो हियर ठीक है अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे यहां पर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं के ये बच्चे हैं जिन्होंने अपना डिफेंस कैरियर की शुरुआत करी और ये एसएसटी के ऑफिसर्स हैं ठीक है ठीके? और गाइज ये मास्टर क्लास का टाइमिंग है राइट आपके सामने तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन टेस्ला विल बी स्टार्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन वे सिटी टेस्ला किस शहर में एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करेगा रायपुर पटना नोएडा और बेंगलुरु आप सभी जानते हैं टेस्ला यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है राइट right? टेस्ला जो है ना ये एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में जो है ना इंटर कर रही है राइट right? भारत में अपनी जो है ना कार्स बेचने के लिए इंटर कर रही है सो तो जब भारत में ये कार बेचने के लिए इंटर कर रही है तो इसने भारत में एक जगह पे प्लांट लगाया रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए प्लांट लगाया तो वो प्लेस कौन सा है जहां पे कि टेस्ला ने अपना रिसर्च और डेवलपमेंट का प्लांट लगाया है ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ठीक है तो गाइज इसका अगर हम सही उत्तर देखें क्या कहला जाएगा बेंगलुरु इसका राइट आंसर कहला जाएगा ठीक है बैंगलोर इसका राइट आंसर कहला जाएगा और टेस्ला ने जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है ये कहाँ पे ओपन किया है सो बेंगलोर में ओपन किया है और गाइज ये रजिस्टर्ड है राइट रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज आठ जनवरी 2021 टेस्ला इंडिया मोटर्स और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट कर रही हैं बेंगलुरु में इनका मेन जो ऑफिस रहेगा वो कहां पर रहेगा लेवल रोड ठीक है इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन ऑन द मजेंटा लाइन ऑफ एज वेल एज द फुली ऑपरेशनल नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विसेस ऑन द एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन वर इनग्रेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंसिंग भारत की पहली ड्राइवर लेस ट्रेन परिचालन की मेजेंटा लाइन और साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह से परिचालन नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया दिल्ली मेट्रो कोची मेट्रो मुंबई मेट्रो और चेन्नई मेट्रो कहां पे किया है यह आपको बताना है तो इसका सही आंसर देखिए गाइस तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा दिस इज व्हाट बी कॉल्ड एज द चेन्नई मेट्रो राइट चेन्नई मेट्रो इसका राइट right आंसर कहला जाएगा यार ये क्वेश्चन जो है ना दिल्ली मेट्रो राइट इट इज नॉट इन द चेन्नई मेट्रो ये गड़बड़ हो जाएगा ठीक है इट इज नॉट इन द चेन्नई मेट्रो ये कहां पे होगा आपका इसका सही उत्तर होगा दिल्ली मेट्रो है ना दिल्ली मेट्रो इसका जाएगा अपडेट कर लीजिएगा इसको दिल्ली मेट्रो इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि इंडिया की जो पहली ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन है मेजेंटा लाइन ऑफ द दिल्ली मेट्रो में हुआ है और गाइस ये फुली ऑपरेशनल है एनसीएमसी पर राइट right? और जो सर्विसेज है आपके एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में अगर आप देखो तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनको जो है ना इनॉग्रेट किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना द स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है यह योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है एजुकेशन स्पोर्ट आर्ट और म्यूजिक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की बात करी गई है यह योजना जो है ना इस मतलब किससे रिलेटेड है यह रिलेटेड है एजुकेशन से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया था मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को यह स्कीम जो है ना ये लॉन्च की गई थी इंपार्ट करने के लिए फ्री कोचिंग एंड गाइडेंस उन स्टूडेंट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जैसे नीट हो गया आईआईटी आई हुआ एनडीए हुआ सीडीएस हुआ यूपीएससी एग्जामिनेशन हुआ इन सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड मेंटेन रोड नेटवर्क इन इंडिया बॉर्डर एरिया एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रीय और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देश में सड़क नेटवर्क का विकास और रख रखाव करता है सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे किया गया है तो गाइज इसका सही उत्तर आप देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसका सही उत्तर कहला जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसका राइट आंसर कहला जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है ना तो इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन राइट एक दिसंबर 2020 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और उस दिन उन्होंने ऑफिस अपना जो है ना ज्वाइन कर लिया था ध्यान रखिएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है ठीक है नॉर्दर्न साइड में उत्तर भारत में और उत्तर पूर्व भारत में जो भी बॉर्डर है तो वहां पे रोड बनाने का काम करता है बीआरओ द स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पेस फिजिक्स विल एक्सप्लोर वेनस फॉर द सेकेंड टाइम थ्रू द इंडियाज इंडियाज फर्स्ट फर्स्ट वीनस वीनस मिशन मिशन इज द नेम ऑफ स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पेस फिजिक्स भारत के प्रथम वीनस मिशन के माध्यम से दूसरी बार शुक्र का पता लगाएगा भारत के प्रथम वीनस मिशन का नाम क्या है सुक्रा फर्स्ट चैंग फाइव शुक्रयान फर्स्ट और वीनस फर्स्ट गुड मॉर्निंग छत्रपाल जी कैसे हैं आप जय हिंद तो इसका सही उत्तर आप देखें राइट आंसर कहला जाएगा सुक्रयान शुक्र का पता करने के लिए जो भारत का आ, मतलब वो चल रहा है ना मिशन सो इसे कहा गया शुक्रयान ठीक है सुक्रयान मिशन जो है ना लॉन्च किया गया था और ये अगर आप देखें तो मोर देन फोर इयर्स राइट चार दिन चार सालों के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 2026 इन पर्टिकुलर रीजन में ठीक है इसको क्या किया जाएगा लॉन्च किया जाएगा अच्छा और करने वाला कौन है तो गए इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका कहां पर है बेंगलुरु कर्नाटका में ठीक है फॉलोइंग कंट्री जो अक्सर समाचारों में उल्लेखित प्रदर्शित प्रथम निम्नलिखित में से किस देश की एक पहल है तियानवेन वैन प्रथम किस देश की एक पहल है यह आपको बताना है तियान वैन प्रथम किस देश की एक पहल है तो गाइज इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा इसका सही उत्तर अगर आप देखें तो राइट आंसर कहला जाएगा चाइना ठीक है क्या कंफ्यूजन है सेलेब लाइफ स्टाइल चाइना इसका राइट आंसर कहला जाएगा दो मोर रोवर्स नासा का एक जो प्रिजर्वेंस था और चाइना का जो तियानवेन प्रथम था ये जो है ना ये मार्स पर लैंड हुए राइट 18 फरवरी मई अठारह फरवरी को नासा का प्रिजर्वरेंस मतलब लैंड किया था और मई दो में जो चाइना है ना तो चाइना का तियानवेन प्रथम ने लैंड किया था नासा का जो प्रिजर्वीरेंस रोवर है ना ये अगर आप देखो तो ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है राइट right, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है जो भी इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट है नासा प्रिजर्वेंस के चीके? आगे देखें व्हाट द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द उत्तर प्रदेश इन इट्स बजट 2021 टू प्रोवाइड फ्री कंपटीशन कोचिंग टू द स्टूडेंट छात्रों को निशुल्क प्रतियोगिता कोचिंग प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा अपने बजट 2021 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है तो इसका राइट right आंसर देखिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना इसे ही कहा जाता है राइट right, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कहा जाता है और ये जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है तो इसे अगर आप देखें तो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को जो भी पर्टिकुलर कॉम्पेटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना राइट कॉम्पेटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनको अगर कोई प्रिपेयर कर रहा होता है तो उन्हें फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाती है और guys, ये जो स्कीम है ये फ्री हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है सेपरेट फैसिलिटी फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट फॉर द बॉयज स्टूडेंट इसमें फ्री टैबलेट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्कीम में मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार है उसकी योजना थी जिसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कहा गया ये प्रमोट कर रहे थे डिजिटल एजुकेशन को राज्य में और लिटरेसी रेट जो उत्तर प्रदेश का आप देखें तो सिक्सटी है राइट right? सो so, राहुल आगे देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट इन फरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन फरवरी दो हजार इक्कीस में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित किया है नरेंद्र मोदी पीयूष गोयल नितिन गडकरी प्रकाश जावडेकर तो गाइस राइट आंसर यहां पे क्या कहला जाएंगे मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर कहला जाएंगे ठीक है प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर कहला जाएंगे और जो प्रकाश जावड़ेकर जी है ना तो आ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रहे हैं साथ ही साथ इन्होंने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में ओपन डिबेट को भी एड्रेस किया था और गाइज ये इसका थीम क्या रखा गया था क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये थीम रखा गया था इस पर्टिकुलर जो डिबेट थी उसका विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च निम्नलिखित में से कौन सा दिन दुनिया भर में तेईस मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे वर्ल्ड स्पैरो वर्ल्ड पोइट्री डे तेईस मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है इसका अगर आप राइट आंसर देखें तो क्या कहला जाएगा सही उत्तर आप देखें तो वर्ल्ड मटिरियोलॉजिकल डे कहला जाएगा Uh, तेईस मार्च के दिन जो है ना गाइस हर साल क्या मनाया जाता है वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल डे मनाया जाता है और ये अगर आप देखें तो काफी इंपॉर्टेंट दिवस होता है है ना uh, कौन मनाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मटीरियो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये जो है ना इस पर्टिकुलर डे को मनाती है और वर्ल्ड मोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस है ये हुआ था ट्वेंटी थर्ड मार्च 1950 को 23 मार्च 1950 को जो है ना इनका एग्जिस्टेंस हुआ था और इसी उसमें जो है ना ये दिवस मनाया जाता है बाकी आप देखिए वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है सो दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन द ट्वेंटी सेकेंड मार्च बाईस मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे वर्ल्ड स्पैरो डे आप देखें सो कब मनाया जाता है राइट वर्ल्ड स्पैरो डे अगर आप तो ये मार्च को मनाया जाता है ट्वेंटी मार्च को और जो इक्कीस मार्च है इक्कीस मार्च वाले दिन क्या मनाया जाता है तो गाइस इसे कहा जाता है वर्ल्ड पोइट्री डे ट्वेंटी फर्स्ट मार्च 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड पोएट्री डे ठीक है सो आगे देखते हैं एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव अ थ्री सहनाई फेस्टिवल वाज स्टार्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन मार्च 2021। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मार्च 2021 में तीन दिवसीय सेनाई उत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ अयोध्या वाराणसी मथुरा और आगरा कहां पे शुरू हुआ वर्ल्ड स्पैरो डे जो है ना तो 20 मार्च को है इट्स नॉट 30 मार्च राहुल 20 मार्च इसका राइट आंसर देखें गाइस तो वाराणसी इसका सही उत्तर कहला जाएगा एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव तीन दिन का जो सेनाई फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस बी में राइट वाराणसी में इक्कीस मार्च 2021 को और संगीत नाटक अकादमी और जो म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट फैकल्टी है बी के ये आपस में मिलकर के इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और गाइस जो म्यूजिकल इवेंट इवनिंग है ना ऑर्गेनाइज की जाती है रिमेंबर करने के लिए जो भी सहनाई मैस्ट्रो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान है उनके बर्थडे पर ठीक है देखो कोई भी दिक्कत है वी विल डिस्कस आफ्टर द क्लास राइट डोंट वरी अभी क्लास कंटिन्यू करिए सेलेब्स आगे देखिए न्यू सोलर पावर पॉलिसी 2021 हैज बीन अनाउंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा की गई है उत्तर प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और गोवा तो गाइज राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा गुजरात इसका सही उत्तर कहला जाएगा जब अपन बात करते गुजरात राज्य की तो इन्होंने अनाउंस किया था न्यू सोलर पॉलिसी 2021 हजार इक्कीस और इसमें इन्होंने टारगेट रखा है ग्यारह हजार मेगावॉट जो है ना प्रोडक्शन कैपेसिटी का ग्यारह हजार मेगावाट ग्यारह हजार मेगावॉट जो है ना तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी का इन्होंने टारगेट रखा है ठीक है और ये ध्यान रखिएगा कि गई यहां पर जो है ना आ, मतलब ग्यारह हजार जो है ना ये तो इन्होंने अचीव रख कर लिया था और इससे जो है ना आगे बढ़ा करके कितना लेकर के जाना है तो इसको थर्टी थाउजेंड तीस हजार मेगावाट के टारगेट को इन्हें अचीव करना था और राइट ये बाय द एंड ऑफ 2022 2022 के अंत में जो है ना इन्हें तीस ए, तीस हजार मेगावाट बिजली की कैपेसिटी तक जो है ना पहुंचना है और यहाँ पे आप देखें गाइस तो जो नई सोलर पॉलिसी 2021 है ये इंक्रीज हुई जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन है सोलर एनर्जी का राइट और ये आपका क्या रिड्यूस करती है प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी इंडस्ट्रियल है इंडस्ट्रीज है हेल्प करता है मेड इन गुजरात ब्रांड को इंक्रीज करना जो भी प्रेजेंस है ग्लोबल मार्केट में उसको इंक्रीज करना राइट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिड्यूस किया गया पच्चीस हजार हुआ करता था पच्चीस लाख हुआ करता था पहले राइट right? अगर पच्चीस लाख पर मेगावाट हुआ करता था जो डिपॉजिट कॉस्ट था लेकिन अभी वो जो डिपॉजिट कॉस्ट है ना पांच लाख रुपया पर मेगावाट कर दिया गया है आगे देखें हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन चेयरमैन टू स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड टीबी भागीदारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अजय माथुर उपेंद्र पाठी हर्षवर्धन और नन ऑफ दीस टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा हर्षवर्धन ठीक है जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ना इनके द्वारा लॉन्च किया गया था ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव को और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ना तो ये हेल्थ मिनिस्टर है भारत के आलेख आलेख यहां पर आया था ऑन टीवी राइट और जो एक डॉक्यूमेंट था ट्राइबल ट्यूबर क्लासेस का इनिशिएटिव ये अगर आप देखो तो ये भी रिलीज किया गया था इस पर्टिकुलर इवेंट में ठीक है कुछ चीजें यहां पर जो है ना आपसे पूछ सकता है कि भाई टारगेट को जो टीबी है ना टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट कब तक का रखा गया है तो so, टीबी को इलिमिनेट करने का जो टाइड टारगेट है टीबी को एलिमिनेट करने का जो टारगेट है ये कब तक रखा गया है ये आप अगर देखें तो so 2025 तक का रखा गया है राइट right? 2025 तक का रखा गया है और यहां पर जो है ना गाइज सेलिब्रेट किया जाता है टीबी को कब सो so, मार्च को टीवी डे सेलिब्रेट किया जाता है राइट और गाइस द क्लॉक इज टिकलिंग ये इसका थीम था आगे देखिए हाँ जी छत्रपाल जी बिल्कुल यहां पे अभी वर्तमान में अपन देखें तो मनसुख मंडाविया जी है राइट और उस समय पर अगर आप देखें तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हुआ करते थे ठीक है आगे देखिए पल्लव महापात्रा राइट क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है पल्लव महापात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट पल्लव महापात्रा को निम्नलिखित में से किस संस्थान के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ठीक है तो पल्लव महापात्रा इसका राइट right आंसर क्या कहला जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड राइट जिसको ए आर सी आई एल कहा जाता है अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या होता है कि बैंकों के जितने भी डी स्ट्रेसैट होते हैं राइट right? बैंकों के जितने भी डी स्ट्रेसैट होते हैं डी स्ट्रेस का मतलब यहां पर क्या है कि ऐसे पर्टिकुलर एसेट जो या लोन जो भी एनपीए में कन्वर्ट हो चुके हैं ठीक है सो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना ये बैंकों से उन लोन्स को परचेज कर लेती है खरीद लेती है और उन लोनों से जितना भी पर्टिकुलर रिकवरी हो सकती है ना मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी वो करने की यहाँ पे कोशिश करती है तो गई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सॉरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर सीईओ रहे हैं पल्लव महापात्रा राइट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर सीईओ रहे हैं इन्हीं को चीफ अपॉइंट किया गया है ए आर सी आई एल एसेजिक डायरेक्शन है और ग्रोथ जर्नी है ऑर्गेनाइजेशन की उसके लिए और गाइज यहाँ पे आप देखें कि जो ए आर सी आई एल है यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ द इंडिया लिमिटेड तो ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसको कब फाउंड किया गया था साल 2002 में इसे फाउंड किया गया था राइट साल 2002 में इस पर्टिकुलर कंपनी को फाउंड किया गया था और गाइज यहां पर आप देखें ना तो कितने की औसत कैपिटल थे तो लगभग बारह हजार करोड़ रुपए की ऑन विच डे इज द सेव द एलिफेंट डे सेब्रेटेड एवरीवर हर वर्ष सेव द एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है सोलह अप्रैल पंद्रह अप्रैल चौदह अप्रैल और तेरह अप्रैल सोलह अप्रैल आंसर कहला जाएगा सिक्सटीन अप्रैल जो है ना अगर आप देखे तो सोलह अप्रैल के दिन मनाया जाता है और ये जो पर्टिकुलर डे एलिफेंट को रीइंट्रोड्यूस करना राइट री एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन जो है ना थाईलैंड की उसके द्वारा मनाया जाता है गाइस बुक पास देखो मैंने आपको कई बार स्टोरी बताई है कि गाइस पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना है राइट जितना ज्यादा जरूरी पढ़ना है उतना ही ज्यादा जरूरी मॉक टेस्ट लगाना है राइट और जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो इससे आपकी प्रैक्टिस एक अलग लेवल पर हो जाती है और गाइज ये जो प्रैक्टिस है ना इसकी अगर आप एनालिसिस करते हैं राइट अगर आप इसकी एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या चीज यहां पर जो है ना सही थी है ना कहाँ पर गड़बड़ी हुई कहां पर हमें इंप्रूव करना है ये अगर कर पाए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता ठीक है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज समय जो है ना ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होते हैं ठीक है हर जगह पे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो जो ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होते हैं ना तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है क्योंकि बचपन से अगर ऑफलाइन की प्रैक्टिस करते आ रहे हो और अचानक से ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ जाए तो चीजें थोड़ा सा जो है ना सफर करेंगी बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप जो है ना ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें जो है अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी चौतीस हजार से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं राइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दस भाषाओं में और आपने अगर खरीदा है तो वेल एंड गुड नहीं खरीदा है तो ये कूपन कोड जरूर ध्यान रखिएगा आर टी ए पी ए एस एस ठीक है अच्छा ये जो पर्टिकुलर कूपन कोड है ये आपको दस परसेंट का जो है ना डिस्काउंट दिलाएगा टेन परसेंट का राइट और गाइज नवमी विजय परीक्षा सेल नवमी विजय परीक्षा सेल में आपको जो है ना तो टेक्स बुक पास जो है कितना बारह नहीं पूरे एक साल का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है राइट एक साल का जो है ना प्रेक्टेक्ट पास मिल रहा है और गाइज वन ईयर का जो टेक्स बुक पास है सो एटीन मंथ का टेक्स बुक पास आपको मिल रहा है और एटीन मंथ के बुक पास को आप कहाँ से आ, मतलब वो कर सकते हो तो गाई जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो देखो पहले मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है राइट फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उसके बाद अगर आप देखें गाइज तो यहाँ पर ये जो लिंक दिया हुआ है राइट right, इस पर्टिकुलर लिंक पर आप क्लियर करेंगे तो इस तरीके की जो है ना एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी राइट right, इस तरीके की जो है ना आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी सो so गाइज यहां पर देखिए टू डबल नाइन थ्री डबल नाइन और फाइव डबल नाइन राइट मेरे उसमें ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है राइट right? सब्सक्राइब्ड है इसलिए वो ऐसा दिख रहा था ठीक है सो आप देखें टू डबल नाइन थ्री डबल नाइन और फाइव डबल नाइन ये जो है ना ये अगर आप देखें सो दिस इज द प्राइस ऑफ द टेक्स्ट बुक पास इसमें आप अप्लाई कूपन कोड करते हैं राइट अप्लाई कूपन कोड करते हैं आपको जाकर के अप्लाई करना है आर टी ए पी ए एस एस है ना तो यहां पर आप क्या करेंगे जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे सो so देखो ये थ्री सिक्सटी टू सेवेंटी और फाइव फोर्टी मिल जाएगा बस एक चीज ध्यान रखिएगा गाइज ऑनलाइन टेस्ट ही आज के युग में सफलता की कुंजी है राइट ऑनलाइन टेस्ट ही आज के युग में सफलता की कुंजी है और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट जो है ना डेली लगाते हो रेगुलरली लगाते हो उनकी एनालिसिस करते हो गाइज तो ही आपका जो सिलेक्शन है ना वो निश्चित होगा ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर स एचपीई हैज पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोविंग टू डिलीवर एज कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आजयोर क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हेवर्ड पैक्ड इंटरप्राइजेस ने अंतरराष्ट्रीय स्टेशन uh, पर एज कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजयोर क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमताओं को वितरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है विप्रो इन्फोसिस आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट तो राइट आंसर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप हुई है ठीक है किसके साथ पार्टनरशिप हुई है तो ये पार्टनरशिप हुई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट हेलेट पैकर्ड इंटरप्राइजेस है इन्होंने पार्टनर किया है जो भी एज कंप्यूटिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो अज़ूर क्लाउड कंप्यूटिंग है गाइस जो कैपेबिलिटीज है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तो उनको डेवलप करने के लिए जो है ना इनके बीच में पार्टनरशिप हुई है पार्लियामेंट हैज पास द लेजिस्लेशन ग्रांटिंग मदर्स एंड देयर हस्बैंड पेड लीव इन द इवेंट ऑफ मिसक्राइज और स्टिल बर्थ मेकिंग इट द फोर्थ सेकंड कंट्री टू डू सो संसद में माताओं और उनके पतियों को गर्भपात या स्टिल बर्थ की स्थिति में छुट्टी देने का कानून पारित किया है जो ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश है तो राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा न्यूजीलैंड ठीक है न्यूजीलैंड जो है ना ये प्रोवाइड करता है अच्छा न्यूजीलैंड से पहले कौन सा ऐसा देश था जो मतलब ये लीव वगैरह अप्लाई करता था तो ध्यान रखिएगा दुनिया में एक इकलौता ऐसा देश था जिसे भारत कहा गया जहां पे मैटरनिटी लीव पैटरनिटी लीव के कॉन्सेप्ट चलते थे इसके अलावा दुनिया में न्यूजीलैंड दूसरा देश बना है ऐसा करने वाला इन द फॉर्मूला वन हु सिक्योर्ड द विक्ट्री एट द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन मई 2021। ट्वेंटी वन फॉर्मूला वन में किसने मई 2021 किस में स्पेनिश ग्रैंड पी में जीत हासिल की है मैक्स वेरेस्टेपेन लुइस हैमिल्टन वॉल्टेरी बोटास और डेनियल रिकार्डो किसने यहां पर जो है ना हासिल की है जीत ये आपको बताना है तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा इस लुइस हैमिल्टन कहला जाएगा राइट आंसर ठीक है लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला वन से बिलोंग करते हैं लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज सिक्योरिटी विक्ट्री है ये स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में 9 मई 2021 को

तो गई किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं यह आपको ध्यान रखना है राइट 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 आंसर 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 अगर आप देखें तो कतर कतर इसका इसका हो जाएगा कतर इसका जाएगा ठीक है कहला और जो यूनियन कैबिनेट है इसने अप्रूव किया था जो एमओयू साइन करना बिटवीन जो भी आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स है राइट चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और जो कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी है राइट सो इनके बीच में आगे बढ़ते हैं गाइस पूछा गया है आपसे विच कंट्री इज एट टॉप पोजीशन ऑन ईवाईएस रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज़ इन मई 2021 uh, मई 2021 में जारी ईवाई के अच्छे ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है यूएसए चाइना इंडिया और रसिया तो गाइज इसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं इंडिया जो है ना ये मूव हुआ है जो भी आपका एक पर्टिकुलर स्पॉट है और ये अगर आप देखें तो गाइज थर्ड पोजीशन है जो ई वाइस रिनेबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है और ये ओ करता है जो भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है तो राइट सोलर फोटोवोल्टिक फ्रंट विच कंट्री होस्ट द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि 2021 का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किस पर्टिकुलर देश ने होस्ट किया था राइट right आंसर कहला जाएगा पाकिस्तान राइट right? uh, पाकिस्तान ने जो है ना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021 ट्वेंटी वन को uh, मतलब होस्ट uh, किया था और अगर आप देखें जो है ना तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम राइट यू के साथ मिलकर के जो है ना उन्होंने होस्ट किया था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है जून फाइव वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ठीक है ये कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है फिफ्थ ऑफ जून को पांच जून के दिन मनाया जाता है आगे देखिए हु लॉन्च द योन टैब स्कीम ट्वेंटी ट्वेंटी वन फ्रॉम लेह इन जनवरी इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन जून दो हजार इक्कीस में लेह से योन टैब योजना दो हजार इक्कीस को किसने लॉन्च किया है जी सी मुर्मू अनिल बैजल आर के माथुर सत्यपाल मलिक इसका सही उत्तर आप देखें राइट आंसर क्या कहला जाएगा आर के माथुर इसका राइट आंसर कहला जाएगा, ठीक है इसका राइट आंसर कहला जाएगा। जब हम यहां पे बात करते हैं लद्दाख के जो है ना आपके लिफ्टिनेंट जनरल आर के माथुर सो इनके द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया था योन टैब स्कीम को चार जून दो हजार इक्कीस को लेह से और ये जो पर्टिकुलर टैब है ना तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है ना एप्स वगैरह तो ये सारी चीजें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं लगभग थर्टी फाइव पुस्तकों की पीडीएफ जो है ना फॉर्मेट में भी अवेलेबल है जून ट्वेंटी ट्वेंटी पार्टनर विद द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जून 2021, an, uh, 2021 में निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ आधिकारिक भागीदार बनने के लिए तीन वर्ष का लंबा सौदा किया है बैजू फोन पे भारत पे पेटीएम तो गाइज राइट आंसर इसका कहला जाएगा भारत पे जो लैंडिंग और डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप है भारत पे सात जून दो हजार इक्कीस को इन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो है ना ये इंक्ड है थ्री ईयर लॉन्ग डील राइट तीन साल लंबी डील से इंक्ड है और टू बिकेम एन ऑफिशियल पार्टनर विद द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रोहित जो आईसीसी है उसके जो ऑफिशियल पार्टनर बनने के लिए द uh, उ मिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चाइना ही होगा है ना सेंज हाउ हुआ और आ, मतलब इस तरह के जो नाम होते हैं ना वही आपको इंडिकेट कर देते हैं राइट सेंज हाउ ये जो है ना एक थ्री पर्सन का क्रू डॉग था राइट जो भी आपका चाइना न्यू स्पेस स्टेशन साइल मॉड्यूल जिसको तियान वैन कहा गया या तियान हे वन कहा गया राइट तो ये तियान हे तियान वैन है ना सेन झो ये सब जो है ना चाइना से ही रिलेटेड है अभी आप देखो चाइना का आ, कुछ मलवा है जो आ, गिरा है राइट इन वर्ल्ड कप शूटिंग ट्वेंटी फाइव मीटर पेस्टल इवेंट इन ओसीजैक क्रोएशिया आई एस एस एफ विश्व कप शूटिंग में क्रोएशिया के ओसीजैक में महिलाओं की 25 मीटर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है अपूर्वी चंदेल राही सरनोबत दीपाली देश पांडे और श्वेता चौधरी तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा राही सरनोबत इसका राइट आंसर कहला जाएगा ठीक है जो आई एस वर्ल्ड कप शूटिंग है उसमें अगर आप देखें तो इंडिया की रानी सरनोबत ने जो है ना गोल्ड जीता है और विमेंस की जो ट्वेंटी फाइव मीटर पिस्टल इवेंट है राइट जो भी ओसीजे क्रोएशिया है उसमें राही अगर आप देखो तो 39 नाइन आउट ऑफ फिफ्टी राइट 39 नाइन आउट ऑफ फिफ्टी जो है ना ये इन्होंने शॉर्ट किए थे पचास में से उनतालीस जो भी ट्वेंटी फाइव मीटर की जो पिस्टल फाइनल थी उसमें और गोल्ड मेडल जीता था जुलाई एट द ओलंपिक गेम्स जुलाई 2021 में निम्नलिखित में निम्नलिखित किसने ओलंपिक खेलों में विश्वव्यापी भागीदार बनने की घोषणा की है कोका कोला पेप्सी और फेंटा तो गाइस क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका सही उत्तर हम देखें तो कहला जाएगा थम्स अप राइट थम्स अप इसका राइट आंसर कहला जाएगा और कोका कोला कंपनी का जो होम ग्रोन सॉफ्ट ड्रिंक है थम्सअप मतलब थम्सअप कोई अलग नहीं है वो कंपनी जो है ना वो कोको कोला ही है है ना कोको कोला कंपनी का एक अलग प्रोडक्ट है थम्सअप होम ग्रोन सॉफ्ट ड्रिंक तो इनके द्वारा अनाउंस किया गया बिकम जो वर्ल्ड वाइड पार्टनर राइट विश्वव्यापी पार्टनर जो भी ओलंपिक गेम्स वगैरह है और गाइज ऐसा इसलिए हुआ फर्स्ट टाइम क्योंकि जो बीवरेज फर्म है ना इंडिया की इसने पार्टनरिंग किया था ओलंपिक गेम्स में वॉग आईवियर हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन वॉग आईवियर ने जुलाई दो हजार इक्कीस में किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसे अपॉइंट किया गया इस so, right कहला जाएंगे अपसी पन्नू Right. तपसी पन्नू जो है ना तो इन इनको वॉग आईवीर ने अपॉइंट किया है एक्टर तपसी पन्नू को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे और ये जो एक्टर है ना आ, ये आपका फ्यूचर करते हैं कैंपेन जिसे बोला गया लेट्स वॉग कंट्री है सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स न्यू एस फाइव हंड्रेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एट अन ट्रेनिंग रेंज एंड हिट हाई स्पीड बेलिस्टिक टारगेट किस देश ने दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज में अपनी नई एस फाइव हंड्रेड वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और एक उच्च गति वाले बैलिस्टिक लक्ष्य को भेदा है तो गाइज राइट आंसर कहला जाएगा रसिया जो एस सीरीज है ना एस फाइव हंड्रेड रसिया से है और एस फाइव हंड्रेड अगर आप देखो तो इसकी जो फायरिंग रेंज है ये लगभग छह सौ किलोमीटर है राइट सिक्स हंड्रेड किलोमीटर फायरिंग रेंज है और गाइस ये ध्यान रखिएगा कि रशिया का जो ये एस सीरीज वो है ना इसी का प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप यानी नकल करके जो है ना एस फोर हंड्रेड बनाया था किसने चाइना ने तो पाकिस्तान को दिया था कि भैया ये तुम्हारी एयर डिफेंस की या एयर बाउंड्री की रक्षा करेगा और भारत से हुआ क्या भारत से जो है ना ब्रह्मोस छूटा और ब्रह्मोस पाकिस्तान में 124 किलोमीटर के आसपास जो है ना अंदर जा करके अंदर जा करके गिरा राइट right? और एस टू हंड्रेड को पता नहीं दो दिन लग गए उनको अपना जो भी पर्टिकुलर पाथ ट्रैक करने में ए आई सी टी हैंड विद द साइबर स्पेस टू ट्रेन हाउ मेनी स्टूडेंट एंड फैकल्टी ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड विद द पीपल फर्स्ट फॉर द कोरोना सेफ इंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम ए आई सी ने साइबर सुरक्षा पर कितने छात्र और फैकल्टी को प्रशिक्षण करने के लिए एक साइबर पीस के साथ और कोरोना सेफ इंटर्नशिप कार्यक्रम के के लिए पीपल साथ हाथ मिलाया है तो राइट आंसर क्या कहला जाएगा इस फाइव लाख कहला जाएगा राइट पांच लाख इसका राइट आंसर कहला जाएगा ए आई सी टी ई ने ज्वाइन किया था हैंड्स जो भी साइबर स्पेस है ट्रेन करने के लिए पांच लाख स्टूडेंट और फैकल्टीज को साइबर सिक्योरिटी पर जो भी पीपल फर्स्ट है राइट कोरोना सेफ के उसमें आगे पूछा गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अ फाइन ऑफ रूपीज वन करोर ऑन विच बैंक जनवरी 2021 में भारतीय प्रतिभूति और विकास विनिमय बोर्ड ने किस बैंक पर जो है ना एक करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज किया है राइट वन सी आर का फाइन किस पे लगाया गया है ये आपको बताना है किसके ऊपर वन सीआर का फाइन लगाया गया है सो तो गाइज इसका अगर आप राइट आंसर देखिए क्या कहला जाएगा एच डी एफ सी बैंक इसका राइट right आंसर कहला जाएगा ठीक है एच डी एफ सी बैंक इसका राइट right आंसर कहला जाएगा और एच डी एफ सी बैंक के ऊपर जो है ना तो एक करोड़ रुपए यानी कि वन सी का फाइन इनके ऊपर लगाया गया था और ये फाइन जो है ना इनके दो पर्टिकुलर प्रोग्राम अगर आप देखो तो जो है ना वो थे एक तो जो है ना एक बी आर एच वेल्थ क्रिएटर्स थे राइट इनके ऊपर भी फाइन लगाया गया था किस चीज को लेकर के जो भी पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर मतलब ट्रांजेक्शन हो रहे थे उन ट्रांजेक्शन को लेकर के जो है ना ये यहाँ पर क्या किए गए हैं फाइन लगाए गए हैं आगे देखिए लॉन्च द श्रम शक्ति इन गोवा इन जनवरी 2021 2021 में गोवा में श्रम शक्ति का शुभारंभ किसने किया तो राइट राइट आंसर आप देखिए यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनके द्वारा श्रम शक्ति को लॉन्च किया गया था गोवा में 22 जनवरी 2021 को और ये अगर आप देखो तो एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है जो इफेक्टिवली हेल्प करता है जो भी स्मूथ फॉर्मेशन है जो भी स्टेट और नेशनल लेवल प्रोग्राम पे उसको ठीक है आगे पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि तो रिसेंटली कैनेडा right? है ना ये अगर आप देखो तो इसको डेजिग्नेट किया गया था एक मतलब खुद को डेजिग्नेट करता है नेशनलिस्ट ग्रुप के तौर पर जबकि सरकार उसको जो है ना डेजिग्नेट करती है एज अ टेररिस्ट ग्रुप विच इंटरनेशनल एजेंसी बिल्ट एंड लॉन्च बाई द स्पेस लेबोरेटरी द स्पेस लेबोरेटरी का निर्माण और प्रक्षेपण किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी चाइना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन राइट रसिया फेडरेशन स्पेस एजेंसी और नासा तो इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहा जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बिल्ट और लॉन्च किया गया है जो स्पेस लेबोरेटरी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का ये ग्रेट वे टू स्पेस कहलाता है हु इज करेंटली सर्विंग एज दिफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत है किरण वेदी बनवारी लाल पुरोहित डॉक्टर तमिलसाई साई और श्री मनोज सिन्हा सो so आप सभी जानते हैं राइट right आंसर यहाँ पर डॉक्टर तमिल साई साउंडराजन कहला जाएंगे तमिल साई सौंडराजन जो है ना तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहा के पुडुचेरी के और जो तमिल साई साउंडराजन है ये अगर आप देखो तो ये गिभिन इनको मतलब एक अलग से एडिशनल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी का चार्ज दिया गया है एनेस्थीसिया इज अ टर्म रिसेंटली इन न्यूज विच डिफाइन द फॉलोइंग ऑप्शन हाल के समाचारों में उल्लेखित प्रदर्शित आ, अनास्तासिया शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प की व्याख्या करता है कोविड वैक्सीन अकार्गोसिप मिनी सैटेलाइट नन ऑफ द अब तो भाई इसका सही उत्तर आप देखें ये एक सिप कहलाता है कार्गो सिप यानी कि जो मालवाहक जहाज है ना तो इसको मालवाहक जहाज कहा जाता है और गाइज लगभग पंद्रह साल आफ्टर फिफ्टीन मंथ जो आ, मतलब आनंद फर्नांडिस हैं और जो एक मुंबई के सेलर रिक्रूटर होम है राइट तो इनके जो क्रू मेंबर हैं इन्होंने जो है ना कार्गो से पनेस्थीसिया जो एक स्टैंडर्ड है चाइनीज पोर्ट तो कोरोना वायरस के कारण कोरोना पेंडेमिक के कारण जो है ना तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि भाई वो किया हालांकि इसीलिए जो है ना ये काफी ज्यादा चर्चा में भी था कार्गो से स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज इन देशलैंड स्टेट प्रोडक्शन Inland स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा राज्य जिसकी जो सीमाएं हैं वो कहीं पे सी समुद्र को ना छुए ठीक है उसकी जो सीमाएं हैं वो समुद्र को ना छुए तो वो इनलैंड स्टेट कहला जाता है इसमें अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर कहला जाएगा राइट उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर कहला जाएगा उत्तर प्रदेश हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज इन बेस्ट इनलैंड स्टेट फॉर द फिश प्रोडक्शन है ना ये उत्तर प्रदेश की जो रनिंग बहुत सारी स्कीम है राइट right? उन्हें जो है ना ये प्रोटेक्ट करता है विच ऑफ दर्गेनाइजेशन लिस्टेड दर ट्वेंटी ट्वेंटी एज दर्स्ट ईयर ऑन द रिक वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर निम्नलिखित में तो से किस संगठन ने अपने विश्व पर्यटन बैरोमीटर में वर्ष 2020 को विवरण पर सबसे खराब वर्ष के रूप में सूचीबद्ध किया है तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा किया गया ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण क्या है समझिए टूरिज्म टूरिज्म मतलब यहां पे तभी जाकर के बढ़ पाती है टूरिज्म जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो राइट फ्री ट्रेवल पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो हम जहां मर्जी जा सके जहां मर्जी घूम सके कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो उसमें बट गाइस कोविड पैंडेमिक के टाइम अगर आप देखें सो so कोविड के टाइम कुछ ऐसा हुआ कि हर देश ने अपना जो uh, मतलब फॉरेन स्टेट से पी ये सारा कुछ बैन कर दिया था राइट right? लॉकडाउन लग गया था सो दैट इज वर्स्ट फेज ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हु टूक ओवर एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ़ द ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ इन फरवरी 2021? फरवरी 2021 में अखिल भारतीय रेडियो समाचार के प्रधान महादेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है कुलदीप सिंह धतवालिया एन वेणुधर रेड्डी राजीव गौबा और वशुधा गुप्ता तो एन वेणुधर रेड्डी इसका राइट आंसर कहला जाएंगे ठीक है मिस्टर एन वेणुधर रेड्डी इसका राइट आंसर कहला जाएंगे जो इंडियन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफिसर एन वेणुधर रेड्डी हैं इनके ऊपर जो है ना मतलब प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज 18 फरवरी 2021 को आ, मतलब इन्होंने आ, टेक ओवर किया है क्रिस मॉरिस बिकेम द कॉस्टलीस्टेबल प्लेयर एट एन आईपीएल ऑक्शन फॉर विस टीम क्रेस मॉरिस किसी टीम के लिए आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं सो क्रेस मॉरेस को किस पर्टिकुलर टीम ने खरीदा था राइट किंग्स इलेवन पंजाब सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कैपिटल किसके द्वारा खरीदा गया है ये आपको बताना है आप सभी जानते हैं ना कि आई में जो है ना प्लेयर्स की नीलामी होती है और प्लेयर्स की नीलामी में जो उनकी महंगी बोली मिलती है है ना जैसे आपने होगा धनिया मिर्चा यानी कि अर्जुन तेंडुलकर भी बीस तीस लाख में बिक गया है ना तीस लाख में बिका सो गई इसका अगर आप राइट आंसर देखे क्या कहला जाएगा विल बी द राइट आंसर सो इसके सही उत्तर के तौर पे हम देखें सो so, ये कहला जाएगा राजस्थान रॉयल्स ठीक है क्रिस मॉरिस को आईपीएल की नीलामी में सबसे महले खिला महंगे खिलाड़ी के रूप में किसने यहां पर खरीदा है तो राजस्थान रॉयल्स का राइट आंसर कहला जाएंगे हु इज अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपॉइंट किया गया है आ, किसे अपॉइंट किया गया है गाइज राइट आंसर अगर हम देखें तो मिस्टर मनप्रीत बोहरा मनप्रीत बोहरा इसका राइट आंसर कहला जाएंगे जिन्हें Uh, मतलब हाई कमिश्नर बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखिएगा मनप्रीत बोहरा जो 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर है राइट इंडियन फॉरेन के ऑफिसर यानी कि आईएफएस है और प्रेजेंटली अगर आप देखो तो ये इंडिया के एम्बेसडर जो है ना मतलब उस समय पर कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में है और गाइज यहाँ पर जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वहां की करंसी कैपिटल ऑस्ट्रेलियन की जो है ना कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया को जो है ना लैंड ऑफ थ्रस्ट कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वन द वीमेन सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी वन किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन दो हजार इक्कीस में महिला एकल का खिताब जीता है सेरना विलियम्स नाउमी ओसाका जेनिफर ब्रेडी और सोफिया कैनन राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा नाओमी आंसर right कहला जाएगा जापान से बिलोंग करती है नाओमी ओसाका और इन्होंने जेनिफर ब्रेडी जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स के सो so, इनको हराया था फाइनल मैच में राइट right? वीमेन का जो सिंगल टाइटल था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 और टेनिस टूर्नामेंट जो है ना तो ये अगर आप देखो तो कहां पे हुआ था मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था अच्छा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो ग्रैंड स्लैम है ना ये कितने होते हैं चार कौन कौन से ए एफ डब्ल्यू एस ए एफ डब्ल्यू एस ये चार ग्रैंड स्लैम होते हैं अच्छा ये जो चारों ग्रैंड जैसे इसको क्या बोला गया 1905 1905 में बना राइट इसको बोला गया कि भाई 1891 1877 और 1881 ये जो चारों ग्रैंड स्लैम है ना इस, इस साल में जो है ना ये बनाए गए ये कौन सा कहला गया ए स्टैंड फॉर द ऑस्ट्रेलियन एफ स्टैंड फॉर द फ्रेंच डब्ल्यू स्टैंड फॉर द विम्बलडन एस स्टैंड फॉर द यूएस राइट एस का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा यूएस कहला जाएगा ठीक है यू भी कर सकते हो ए एफ डब्ल्यू यू है ना बट वो चाइनीज नाम जैसा हो जाएगा एफ डब्ल्यू यू और एक चीज ध्यान रखना गाइज एच सी मतलब क्या है ऑस्ट्रेलियन ओपन को जिसे 1905 में स्टेबल किया गया इसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है एफ का मतलब यहां पर क्या है कि इसे क्ले कोर्ट में खेला जाता है फ्रेंच ओपन को 1891 में जिसे स्टेबल किया गया था जो विंबलडन है इसे 1877 में Uh, मतलब uh, 1877 में इसे जो है ना क्या किया गया था ओपन uh, किया गया था और इसको uh, जो है ना ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और जो यूएस ओपन है तो ये 1881 में में स्थापित किया गया था जिसे हार्ड कोर्ट खेला जाता है कंट्री विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक ड्यू टू द कंसर्न ओवर द कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन की चिंताओं के कारण कौन सा देश आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा तो राइट आंसर कहला गया था नॉर्थ कोरिया और ये सबसे बड़ा कारण हुआ कि नॉर्थ कोरिया की टीमों पर जो है ना बैन भी लगाए गए फिर हु पुस्तक मैवरिक मसीहा तो ये हमने डिस्कशन किया था कि जो मैवरिक मसीहा है ना रामेश कांडला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और गाइज ये पॉलिटिकल बायोग्राफी है चीफ मिनिस्टर जो आंध्र प्रदेश के रहे हैं इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल बायोग्राफी और ये पॉलिटिकल बायोग्राफी किसकी रही है तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम रहे हैं इनका नाम अगर आप देखें तो मिस्टर एन टी राव एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलेन्स इन अप्रैल 2021। ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्रू में फर्स्ट मैंड मिशन टू द मून अपोलो 11 इन विच ईयर अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलेन्स का निधन 28 अप्रैल 2021 को हो गया वे किस वर्ष में चंद्रमा के लिए पहले मानव युक्त मिशन अपोलो 11 के तीन चालक दल के सदस्यों में से एक था तो आप सभी जानते हैं गाइज 1969 सिक्सटी इसका राइट आंसर कहला जाएगा एस्ट्रोनॉट थे माइकल कॉलिंस और गाइज इन्होंने ही अपोलो 11 मिशन जो है ना इसमें मतलब पास किया था 28 अप्रैल 2021 को और गाइज ये आपके तीन जो क्रू मेंबर हैं पहला जो मैंड मिशन है मून का उसका पार्ट है राइट right? और पहला जो मैन मिशन पार्ट है मतलब मून का उसे कहा गया अपोलो इलेवन नाइनटीन बाबर आजम वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट तो गाइज ये क्रिकेट से रिलेटेड है बाबर आजम पाकिस्तान के क्रिकेटर राइट right? और पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी हैं ये बाबर आजम आज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है इन मे 2021 ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग आई आई टी पोर्टेबल टेक ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली मोबाइल क्रिमेशन सिस्टम मई 2021 में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने पोर्टेबल तकनीक तो जो है ना मर बहुत रहे थे और मरने के साथ साथ जो है ना उनको जलाने तक के लिए लकड़ियों की कमी पड़ रही थी तो इसलिए यहाँ पर जो है ना ये इनिशिएटिव या आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को बनाया गया था पोर्टेबल टेक फ्रेंडली इको या, या ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली मोबाइल जो क्रमेशन सिस्टम है उसमें ठीक है सो so, आज के सेशन सेशन में इतना ही दिस इज फॉर द डे अगर अच्छा लगा है, इतना है तो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वेलाइकॉन प्रेस कर दीजिएगा राइट हमें पता है कि आप सेशन देखते जरूर हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते गाइज फ्री है कोई हिडन कॉस्ट नहीं है ठीक है नीचे रेड कलर की जो बटन है उसे क्लिक कर दीजिए और याद रखिएगा जो बगल से घंटी है उसे अगर आप बजा देंगे तो जो भी पर्टिकुलर सेशन लाइव होगा उसका जो है ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पर्सनलाइज वो ही ठीक है तो बोबाई अभी के सेशन में इतना तो ही नेक्स्ट क्लास टेक केयर हैव अ ग्रेट डे